गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डू आवर नेक्स्ट रिवीजन एक्सरसाइज फॉर मिड टर्म एग्ज़ाम। ठीक है, आज हमारी नेक्स्ट वर्कशीट है मिड टर्म एग्ज़ाम के लिए। सो ऑल ऑफ यू प्लीज पे अटेंशन, लेट अस स्टार्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, डैश इज अ लैंड ऑफ फेस्टिवल्स। ठीक है, डैश ब्लैंक है जो इसमें आपको भरना है, किस लैंड को, किस भूमि को त्योहारों की भूमि कहा जाता है। ठीक है, नंबर 1 ऑप्शंस जो हैं उसी में से चूज करना है आपको जो करेक्ट आंसर है, इंडिया, इंग्लैंड, अमेरिका, रशिया। ठीक है, सो इंडिया इज कंसिडर्ड एज अ लैंड ऑफ फेस्टिवल्स, भारत को त्योहारों की भूमि कहा जाता है। ठीक है, इंडिया, क्योंकि हर दिन यहाँ कोई ना कोई फेस्टिवल होता है, तीज त्यौहार आते हैं। नंबर 2, दीपावली इज सेलिब्रेटेड ऑन अमावस्या ऑफ डैश मंथ ऑफ एवरी ईयर। ठीक है, प्रतिवर्ष दीपावली किस महीने की अमावस्या को मनाई जाती है? ये है ऑप्शन, कार्तिक है, चैत्र है, सावन है, फागुन है। तो कौन सा ऑप्शन आता है? ये आता है कार्तिक, कार्तिक महीना आता है। ठीक है, ठीक है, कार्तिक महीना। क्वेश्चन नंबर 3, डैश इज अ फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। कौन से पर्व को या कौन से त्यौहार को रोशनी का त्यौहार कहा जाता है? होली, ईद, दशहरा, दीपावली। तो आंसर क्या है? दीपावली को किया जाता है क्योंकि सब लोग रात में अपने घरों में दिए जगाते हैं, मोमबत्ती जगाते हैं और जो बिजली की जो लाइटिंग होती है उसको सजाते हैं। ठीक है, अपने घरों को, दुकानों को। क्वेश्चन नंबर 4, डैश कीप्स अ बैग। कौन? एक्टर, डायरेक्टर, पोस्टमैन, ऑल ऑफ दीज। अपनी ड्यूटी के समय में कौन बैग रखता है अपने साथ? पोस्टमैन। क्वेश्चन नंबर 5, द ड्यूटी ऑफ पोस्टमैन इज वेरी डैश। ब्लैंक में क्या आएगा? इजी है, हार्ड है, डिफिकल्ट है, सिंपल है। द ड्यूटी ऑफ पोस्टमैन इज वेरी हार्ड, वेरी हार्ड। ठीक है, बहुत सख्त ड्यूटी है, कठोर ड्यूटी है। क्वेश्चन नंबर 6, ए पर्सन हु इज नॉट मैरिड। ठीक है, एक व्यक्ति जो विवाहित नहीं है क्या कहते हैं? अनमैरिड, हंटर, बैचलर, विडो। क्या है? बैचलर, इंग्लिश में जो वर्ड यूज होता है बैचलर फॉर अनमैरिड पर्सन। क्वेश्चन नंबर 7, काइंडली डैश मी 3 days सिक लीव। काइंडली डैश मी 3 days सिक लीव, ग्रेट मी, ग्रांट मी, ग्रांड मी, ऑल ऑफ दीज, ग्रांट मी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, नेम द स्क्रिप्ट फॉर चिल्ड्रन या यूज्ड फॉर चिल्ड्रन हु कैन नॉट सी कार्ड। उस लिपि का नाम बताइए जो उन बच्चों के लिए प्रयोग की जाती है जिन्हें दिखाई नहीं देता वो लिपि। आंसर, लिपि है, लुइस लिपि है या ब्रेल स्क्रिप्ट है, ऑल ऑफ दीज। क्या वो आएगी? ब्रेल स्क्रिप्ट, ब्रेल लिपि कहा जाता है उसको जो दृष्टिहीन बालकों के लिए, बच्चों के लिए प्रयोग की जाती है। क्वेश्चन नंबर 9, चूज द अपोजिट ऑफ वर्ड शट। शट का अपोजिट क्या होगा वो आपको चूज करना है। क्लोज है, ओपन है, स्वीट है, ऑल ऑफ दीज। ओपन, अपोजिट ऑफ शट इज ओपन। चूज द अपोजिट ऑफ वर्ड स्ट्रांग। स्ट्रांग, ठीक है, स्ट्रांग मीन्स मजबूत, उसके लिए आपको उसका अपोजिट चूज करना है। ऑप्शंस के हैं, वीक है, वीक है, स्पेलिंग्स देखिएगा, वीक और वीक, पुअर और सोर। ठीक है, तो डब्ल्यू ई ए के, कमजोर। क्वेश्चन नंबर 11, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ वर्ड डिलीशियस। डिलीशियस का आपको मीनिंग लिखना है, मीनिंग लिखना है। ठीक है, अपोजिट नहीं, मीनिंग, उसका अर्थ क्या है? ए स्पेशल है, टेस्टेड है, टेस्टी है, ऑल ऑफ दीज। तो क्या आएगा यहां? रहता है टेस्टी, डिलीशियस, स्वादिष्ट। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ होल, डब्ल्यू एच ओ एल ई, होल। ठीक है, इसका मीनिंग लिखना है आपको होल का। शेयर है, पार्ट है, फुल है, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो होल का मीनिंग क्या होगा? फुल, क्योंकि शेयर का मतलब हिस्सा, पार्ट का मतलब हिस्सा, फुल का मतलब फुल, कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 13, हु सेड दिस, यू कैन नॉट वेस्ट ऑल दीज बिट्स एंड पीसीज ऑफ वेजिटेबल्स, फाइंड अ वे टू यूज देम।
किसने कहा था, ये स्टेटमेंट किसने दी थी? यू कैन नॉट वेस्ट ऑल दीज बिट्स एंड पीसेज ऑफ वेजिटेबल्स, फाइंड अ वे टू यूज देम. उनको वेजिटेबल्स के आप जो टुकड़े हैं, जो उसके कटे हुए पीसेज हैं, आप उसको वेस्ट नहीं कर सकते. आपको उसका कुछ यूज़ करने का कोई तरीका सोचिए. ठीक है, किसने कहा था? द महाराजा, द कुक, द हेल्पर, नन ऑफ दीज. द महाराजा सेड दिस, दिस इज अ स्टेटमेंट ऑफ महाराजा. उसने कुक को कहा था कि आप इन पीसेज से कुछ बनाइए. क्वेश्चन नंबर 14. वुल्फ वॉज द नेम ऑफ रिप्स डैश. वुल्फ रिप के, वुल्फ किसका नाम था? काओ, फ्रेंड, डॉग, नन ऑफ दिस. क्या था वुल्फ? कौन था वो रिप्स? रिप्स का क्या था? डॉग. वुल्फ वॉज द नेम ऑफ रिप्स डॉग. रिप वॉज काइंड डैश. ब्लैंक में क्या रहेगा? लेबर था, नेबर था, गुड था, ऑल ऑफ दिस. रिप वॉज अ काइंड नेबर. वो एक बड़ा दयालु पड़ोसी था. ठीक है, रिप वॉज अ काइंड नेबर. सो ऑल ऑफ यू प्लीज राइट डाउन दीज एक्सरसाइजेज और दीज क्वेश्चंस इन योर कॉपी एंड लर्न देम. ठीक है, ओके, रिवाइज इट. थैंक यू.